अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मई चैनल। आज हम बात करेंगे एमडीकैट 2024 के रिकंडक्शन के हवाले से और इसके स्टैटिस्टिक्स क्या सामने आए हैं कि कितने स्टूडेंट्स ने 190 प्लस मार्क्स लिए हैं और इस बार मेरिट कितना रहने जा रहा है, और इसको लेकर स्टूडेंट्स ने जो हाई कोर्ट्स में अपना केस दायर किया और इसको लेकर नेक्स्ट एमडीकैट रिकंडक्ट होगा या नहीं होगा, तो इसको सारा हम देखते हैं डिटेल के साथ कि एमडीकैट 2024 रिकंडक्ट होने जा रहा है या नहीं होगा, और देखेंगे कि कितने स्टूडेंट्स ने एमडीकैट में ज़्यादा मार्क्स लिए हैं लास्ट ईयर के निस्बत और इस पर मेरिट में कितना इजाफा होने के चांसेस हैं। तो जैसा कि बात करेंगे, पीएमडीसी ने 22 सितंबर 2024 को एमडीकैट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया पूरे पाकिस्तान में। तो इसमें जो सजाम्बू ने फेडरल का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया, यूएचएस ने लाहौर में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया, इसके अलावा डो यूनिवर्सिटी ने सिंध में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया, जबकि केएमयू बम्स ने अपने अपने रेलिवेंट प्रोविंस में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया। तो डो यूनिवर्सिटी ने जो इस पर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया, तो उसके अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखें तो डो यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग एमडीकैट में स्टूडेंट्स ने 192 स्टूडेंट्स ने मार्क्स लिए हैं, 198.59 स्टूडेंट्स के हैं, जबकि 197.144 स्टूडेंट्स के हैं। तो आप ये देखें 190 अबव कितने ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, मतलब कि आप इतने ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनके 190 प्लस मार्क्स हैं, तो इसके अकॉर्डिंग तो 190 प्लस वाला स्टूडेंट भी अब सेफ नहीं रहा, मतलब कि 195 से अबव वाले स्टूडेंट्स का फिर एमडीकैट क्लियर है। और ये देखें इतनी ज़्यादा ये जो बेजाबतियाँ नज़र आ रही हैं डो यूनिवर्सिटी की जानिब से एमडीकैट में, तो इसकी साफ साफ रीज़न यही है कि एमडीकैट का पेपर जो लीक हो गया था जो पेपर से कुछ देर पहले, और ये कहा जा रहा था कि कोई 8-10 घंटे पहले ही एमडीकैट का पेपर लीक हो चुका था सिंध में, जैसा कि लास्ट टाइम भी यही हुआ था, पेपर रिकंडक्ट भी हुआ, डो यूनिवर्सिटी ने अगेन लिया था बट उसमें भी एमडीकैट का पेपर लीक हुआ, तो इसका कोई खातर खा नतीजा सामने नहीं आया, उसी रिज़ल्ट की बेस पर लास्ट टाइम भी एडमिशन हो गए। तो इस बार तो बहुत ज़्यादा तादाद में पेपर लीक हुआ है, तो इसको जैसा कि डो यूनिवर्सिटी ने मानने से भी इनकार कर दिया कि हमने तो पेपर बड़ा शफाफ तरीके से कंडक्ट करवाया है, बट जब नंबर सामने आए हैं स्टूडेंट्स के तो ये साफ देखा जा सकता है कि इतना किसी भी प्रोविंस में नहीं है, ना यूएचएस में ना सजामू में, कि इतने ज़्यादा नंबर आते हैं एमडीकैट में स्टूडेंट्स के, तो ये आपके सामने ही है सारा कुछ। तो इसको देखते हुए स्टूडेंट्स ने सिंध हाई कोर्ट में केस दायर किया, स्टूडेंट्स की जानब से जो केस दायर किया गया इसमें कहा गया कि जो 22 सितंबर को एमडीकैट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया है डो यूनिवर्सिटी ने, इसका पेपर सोशल मीडिया पर पहले ही आउट हो चुका था, जिसमें 200 में से 160 प्लस एमसीक्यूज पहले ही लीक हो चुके थे सोशल मीडिया पर, और स्टूडेंट्स का कहना है कि जेआईटी बनाकर इसकी तहकीकात की जाएंगे कि पेपर कैसे लीक हो रहा है, किसने लीक करवाया, और जो जो भी इसमें मुलजिम है उनको सजा दी जाए और एमडीकैट के नतज का अदम करार देकर दोबारा टेस्ट लिया जाए। सिंध हाई कोर्ट में जो पहली हेयरिंग हुई है एमडीकैट 2024 को लेकर, जस्टिस साहिब ने जो रिमार्क्स दिए उनका कहना था कि 190 प्लस वाले स्टूडेंट्स को लेकर आया जाए ताकि उनसे मुकम्मल आगे तहकीकात की जाए कि पेपर उन्होंने किसके थ्रू बाय किया है, क्योंकि दूसरे बोर्ड्स में भी इतने मार्क्स नहीं आते एमडीकैट में जितनी यहाँ पर लाइन लगी हुई है सिंध में, बाकी बोर्ड के मार्क्स एमडीकैट में क्यों काउंट किए जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ तो हद से ज़्यादा करप्शन होती है, क्योंकि सिंध में तो बोर्ड में भी मैट्रिक एफएससी के मार्क्स पैसे देकर लग जाते हैं, आईबीए और एकेयू से पूछो वो टेस्ट लेने के लिए तैयार हैं सिंध एमडीकैट का, उनका रिस्पॉन्स बताओ क्या है, मतलब कि अब उन्होंने फैसला किया है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी को सौंपा जाए कि वो एमडीकैट कंडक्ट करें। और जज साहब का कहना था कि ये चीज़ें बार बार सिंध में ही क्यों हो रही हैं, जब सा के दूसरे प्रोविंसेस में तो है ना यूएचएस नामो, मतलब यहाँ पर पेपर में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आते हैं बट इतना नहीं होता कि पेपर लीक हो रहा है बार बार, जैसा कि लास्ट टाइम जीएसएमयू का पेपर भी लीक हो गया, डो यूनिवर्सिटी ने एमडीकैट कंडक्ट कराया वो भी लीक हो गया, और इस बार अगेन, मतलब कि ये चीज़ें सिंध में बार बार क्यों रिपीट हो रही हैं, इस पर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्या सिंध के स्टूडेंट्स के साथ ये ज़्यादती बार बार होती रही, कि क्या इसको कोई बंद करेगा या नहीं करेगा, और ये वाकई सरासर ज़्यादती है, इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ इनजस्टिस है कि कुछ बच्चे पैसे देकर पेपर खरीदते हैं और वो आगे मेडिकल कॉलेज में चले जाते हैं, बाकी जिन्होंने मेहनत की होती है उनके मार्क्स कम आते हैं, अब देखें जितनी मर्जी बच्चा मेहनत कर ले जब 190 प्लस वाले इतने ज़्यादा हैं तो बाकी स्टूडेंट्स कहाँ जाएंगे। सिंध हाई कोर्ट के हुक्म के तहत 180-190 प्लस वाले स्टूडेंट्स की लिस्टें तैयार हो रही हैं, इन स्टूडेंट्स इनके वालदैन से तफ्तीश की जाएगी, चोर पकड़े जाएंगे, आप लोग जो इंसाफ चाहते हैं इन लोगों की लिस्टें तैयार करवाने में हेल्प करें। इस पर सजामू एमडीकैट 2024 की बात की जाए तो जैसा कि लास्ट टाइम की तरह तो एमडीकैट का पेपर इजी आता रहा सजामू का, तो इसलिए बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने सजामू का टेस्ट देने को प्रेफर किया, तो इस बार अगर स्टैटिस्टिक्स देखे ना एमडीकैट 2024 के सजामू ने जो कंडक्ट करा है तो 192 वाला भी एक स्टूडेंट है, 191 वाला, 190 वाला भी एक स्टूडेंट है, जबकि इसके मुकाबले में डो के देखे ना 190 के ऊपर लाइनें लगी हुई हैं, यहाँ पर 190 से ऊपर सिर्फ 3 स्टूडेंट्स हैं, बाकी 190 प्लस वाला देखा जाए तो ओवरऑल बहुत ही कम स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर सजामू में, जबकि यूएचएस
की जानब देखा जाए तो UHS में इतना ईजी टेस्ट आया है कि वहाँ पर 199 वाले 3 स्टूडेंट्स हैं, जबकि बाकी स्टूडेंट्स को देख रहे हैं 195 से 200 तक 263 स्टूडेंट्स हैं। मतलब कि डो के बाद दूसरे नंबर पर जो आता है UHS का इशू है कि UHS ने इतना ईजी टेस्ट क्यों बनाया। क्या PMDC एक इक्विवेलेंस को मेंटेन नहीं रख सकती कि मतलब एक बराबर एक इक्वल टेस्ट रख के बनाया जाए जिसमें तमाम MCQs की रेशो बराबर हो, जिसमें कंपिटेंसी लेवल को बराबर रखा जाए, ताकि एक स्टूडेंट है जो सामू का टेस्ट दे रहा है और एक स्टूडेंट है जो UHS का टेस्ट दे रहा है, वो अगर एक ही यूनिवर्सिटी में अप्लाई करता है तो मतलब कि इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, तो जिसकी वजह से ये स्टूडेंट्स के साथ ज्यादा है। अब इस बार जो पंजाब के कॉलेज में एडमिशन है वो ज़्यादातर UHS के स्टूडेंट्स के होने के चांसेस है, और सामू के स्टूडेंट्स के तो बहुत ज़्यादा कम चांसेस है कि उनका भी कोई एडमिशन हो। बाकी UHS के स्टूडेंट्स तो इस पर बहुत ही खुश नज़र आ रहे हैं, उनका भी कुछ इशू है था बट उनको ग्रेस मार्क्स मिल गए हैं। बट तलबान शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी में MTK इम्तहान में बेज़ाब्तगी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुप्रीम कोर्ट से PMDC और यूनिवर्सिटियों के करप्ट अनासर के खिलाफ फौरी नोटिस लेने की अपील की है। तलबा ने कहा है कि 30 आउट ऑफ सिलेबस सवाल पर ग्रेस मार्क्स देने और शफाफ तरीके से MTK इम्तहान दोबारा लेने का मुतालबा भी किया है। मतलब कि सजाम्बू के स्टूडेंट्स भी अब MTK का इम्तहान दोबारा रिकंडक्ट चाहते हैं। उनका कहना है कि इस पर हमारा टेस्ट बहुत ही मुश्किल बनाया है, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन भी हैं और उनको ग्रेस मार्क्स के नाम पर एक बहाने से उनको उनके साथ ज्यादती की गई है कि उनका रिजल्ट भी अपलोड कर दिया गया है और अब उनकी बात नहीं सुनी जा रही। और जैसा कि सामू टेस्ट 2022-2023 को देखा जाए तो 180 प्लस बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स होते थे, जबकि इस बार का टेस्ट इतना मुश्किल आया है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ 164 स्टूडेंट्स के 180 प्लस मार्क्स आए हैं। तो यही नतीजा एंड पर निकलता है कि कभी भी जो प्रीवियस टेस्ट हैं उनकी बेस पर आने वाले टेस्ट को जज ना किया